ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की रेस अब और भी दिलचस्प हो गई है। इस रेस की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। ऋषि सुनक पहले दो राउंड के बाद एक अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी राह में चुनौतियां भी हैं। एक चुनौती तो बोरिस जॉनसन ही है, जो ऋषि सुनक को बतौर प्रधानमंत्री देखना ही नहीं चाहते। खबर है कि बोरिस जॉनसन सुनक को छोड़कर किसी भी दूसरे उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार है। उनकी तरफ से दूसरे उम्मीदवारों से कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर सुनक का समर्थन ना करें। अब बोरिस के इस रुख को लेकर कहा जा रहा है कि वे अपनी सत्ता जाने के पीछे ऋषि को ही मुख्य कारण मान रहे हैं। बोरिस जॉनसन का मानना है कि पिछले कुछ महीनों से ऋषि उन्हें सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में थे। ऋषि की वजह से उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। एक रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया है कि बोरिस जॉनसन साजिद जावेद को सत्ता गंवाने के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। बोरिस जॉनसन अपने सत्ता जाने के लिए ऋषि सुनक को ही अपना जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका सारा गुस्सा ऋषि सुनक की तरफ है। इस बात का गुस्सा ज्यादा है कि तय रणनीति के तहत बोरिस को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। सबसे बड़ी बात कि बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक का तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन विदेश सचिव लीज ट्रस को पीएम बनाने पर काफी जोर दे रहे हैं। ऋषि को उनका विरोध इतना ज्यादा है, इस समय वो जूनियर ट्रेड मिनिस्टर पेनी का समर्थन करने को भी तैयार है। इस बारे में जब जॉनसन से एक साथी की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, यह स्वीकार है कि केयर टेकर पीएम हो ऋषि को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। वे मानते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। वे ऋषि के अलावे किसी को भी पीएम बनाते हुए और बनते हुए देख सकते हैं। अभी के लिए ऋषि सुनक की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। लगातार दो राउंड में सबसे ज्यादा वोट ऋषि सुनक को मिले हैं। दूसरे राउंड की बात करें तो भारतीय मूल के सुएला ब्रेवमैन को टोरी पार्टी के नेतृत्व से इस रेस में सबसे कम वोट मिले हैं और इस दौर में बाहर हो गई। सबसे ज्यादा वोट ऋषि सुनक को मिले हैं। सुनक को 101 वोट और दूसरे स्थान पर रही हैं पेनी मोर्डोडेट, 83 वोट मिले। लीज ट्रस को 64, बेनोडोजो को 49, तेंगू दत्त को 32 वोट मिले। लेकिन रेस यहीं समाप्त नहीं हुआ। वोटिंग का ये दौर अभी जारी रहेगा। अगले 5 दिन में 3 बार वोटिंग होगी। हर बार सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार बाहर होते चले जाएंगे। कहा जा रहा है कि 21 जुलाई तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। जब इस प्रक्रिया में 2 उम्मीदवार रह जाएंगे तब पीएम बनने की रेस और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। कितनी दौर की वोटिंग के बाद फाइनल होता है कि पीएम कौन बनेगा, अब ये बताते हैं कि ब्रिटेन में कैसे होता है वोटिंग। ब्रिटेन में सबसे पहले कंजर्वेटिव प्रमुख की दौड़ के लिए उम्मीदवारों का फैसला होता है। इस दौर में वही शामिल होते हैं जिन्हें 20 टोरी सांसदों का समर्थन हासिल होता है। चुनाव के पहले दौर के लिए 8 लोगों के नाम सामने आए थे। पहले राउंड में जिस भी उम्मीदवार को 30 से कम वोट मिलते हैं वो इस रेस से बाहर हो जाता है। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहता है जब 2 उम्मीदवार नहीं बच जाते। जब सिर्फ 2 उम्मीदवार रह जाते हैं तो दोनों देश भर में प्रचार अभियान के जरिए पार्टी के सदस्यों से वोट मांगेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के देश भर में करीब 2.25 लाख कार्यकर्ता हैं। उसके बाद तय होगा कि पीएम कौन बनेगा। पीएम कौन बनता है, ब्रिटेन में कई राउंड की वोटिंग के बाद अंत में 2 प्रत्याशी जनता के सामने अपना एजेंडा बताते हैं और पार्टी के सदस्यों से वोट की अपील करते हैं। दोनों उम्मीदवारों में से जो पार्टी का नेता बनेगा वही देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। 5 सितंबर को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं। ऋषि सुनक अभी आगे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के निवासी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।